नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा, सारा देश भर में एक कार्ड अभी बनाया जा रहा है जिसका नाम है ई श्रम। तो आज इस वीडियो में हम एक लाइव कार्ड बना के दिखाएंगे, ई श्रम एक नया कार्ड कैसे बनाया जाता है और आप कैसे दुकान में ना जाकर आप खुद का मोबाइल या लैपटॉप जो भी है, कंप्यूटर जो भी है, वहाँ उसको यूज़ करके आप खुद बना सकते हो। ये वाला हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, पूरा लाइव दिखाएंगे। आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए और पूरा फुल डिस्कशन करेंगे इस कार्ड को बनाने के बाद आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस कार्ड को बनाने के लिए और कार्ड दिखने में कैसा होगा और भी बहुत सारा पॉइंट है, जैसे आपका एज क्या होना चाहिए, सारा चीज़ आप लोगों के पास क्लियर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए एक बार, तो आसानी से दुकान में बिना जाके आप खुद का कार्ड खुद का मोबाइल से या लैपटॉप से आप बना सकते हो। आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो वीडियो को देखते रहिए और इस टाइप का टेक एंड यूट्यूब रिलेटेड अपडेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में रेगुलर वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो दोस्तों, अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारा इन्फॉर्मेशन ए टू जेड जो भी है हम लोग वहाँ पे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मैं एक लाइव ई श्रम कार्ड बना के दिखाऊंगा, तो उसी के लिए हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ऐसा प्रोसेस दिखा दूंगा कि एक बार आप वीडियो इसको शुरू से अंत तक देख लोगे तो दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पर एक शर्त है। तो दोस्तों, आपको खुद से ई श्रम कार्ड बनाने के लिए एक ही कंडीशन है, वो है आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। अगर आपका आधार जो कार्ड है उस पर आपका मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है तो आप अपना मोबाइल या पीसी से आप अपना जो ई श्रम कार्ड है उसको बना सकते हो। अगर नहीं ऐड किया हुआ है आपका मोबाइल नंबर और अगर आपका आधार कार्ड के साथ अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको सीएससी जो सेंटर है, मतलब जो दुकान होता है ऑनलाइन वगैरह सब काम करता है, तो वहाँ पर जाके आपको सारा काम कराना होता है। तो दोस्तों, पहले आपको आ जाना है eshram.eshram.gov.in, इस पेज पे आपको आ जाना है। और आने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आपका मन में एक सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि आखिर में ई श्रम कार्ड क्यों बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी सरकार एक ही चाहती है कि सरकार के पास एक डेटा हो जिसमें उन लोगों के पास एक टोटल नंबर हो जहाँ पे लिखा हो कि सारा देश में कितना लोग अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्किंग सेक्टर है वहाँ पे काम करते हैं। तो इसको ही बनाने के लिए एक कार्ड बनाने का जो प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे एक फैसिलिटी सबको दिया जाएगा जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा जो योजना है उसके अंडर में जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है, ये वाला इंश्योरेंस सबको दिया जाएगा। और फ्यूचर में बहुत सारा जो दूसरा टाइप का फैसिलिटी होता है, जैसा कुछ पैसा कुछ कुछ टाइम में लोगों के अकाउंट्स में आते हैं, दूसरा फैसिलिटी भी आते हैं, बैंक अकाउंट इसके साथ जुड़ा हुआ है तो आपका जो फैसिलिटी है आप तक सीधा पहुँचेगा। तो ये है सारा खेल। तो पहले हमको यहाँ पे आ जाना है रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड। तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं क्लिक कर चुका हूँ, अभी आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ यहाँ पे क्लियर लिखा है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एंटर कैप्चा, ये सब लिखा है। तो आधार कार्ड आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज प्रेफर्ड, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना है। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं डाल देता हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं कैप्चा डाल लेता हूँ। उसके बाद बाकी जो दो ऑप्शन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी नो रखना है। और सेकंड जो है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC, तो उसको भी नो रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक सेंड OTP ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सॉरी, थोड़ा यहाँ पे कैप्चा गलत हो गया, मैं दोबारा यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा OTP सेंड कर लेता हूँ। तो मेरा जो मोबाइल है यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा OTP आने में आधा मिनट के आसपास लग जाता है। तो OTP आ चुका है, अभी इसको हम डाल देते हैं। तो अभी OTP डालने के बाद यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे आधार नंबर आपको यहाँ पे देना है। तो आपका जो आधार कार्ड साथ में रखिए, तो मेरा जो आधार कार्ड है मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ।
उसके बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर ई श्रम पोर्टल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट जो ऑप्शन है इस पर आपको सबमिट करना है। तो हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए और एक ओटीपी आएगा, एंटर ओटीपी जो आधार नंबर है उसके साथ। तो यहाँ पे मैं ओटीपी जो मेरा मोबाइल पे आ चुका है उसको डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आपको वैलिडेट यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो देखिए आपका जो आधार कार्ड के साथ जो इन्फॉर्मेशन है सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगा, नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक, सेकंड आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा, नेक्स्ट जेंडर, एड्रेस, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन नंबर आपका, कंट्री, सारा चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। तो देखिए कुछ भी दिक्कत होगा तो यहाँ पे एक हेल्प डेस्क नाम का भी ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे कॉल करके आप यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है आप बता सकते हो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके बाद सीधा आपको जाना है एंटर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन है एग्जिट, तो आपको जाना है कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरा पेज पे हम लोग आ गए। यहाँ पे देखिए मेरा मोबाइल नंबर लिखा है ऑलरेडी, इमरजेंसी नंबर आप चाहे तो दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ईमेल एड्रेस दे सकते हो। उसके बाद जो आपका स्टेटस आपको आप मैरिड हो अनमैरिड हो तो ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। मैं अपना हिसाब से क्लिक कर रहा हूँ, फादर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको सोशल जो कैटेगरी है मतलब आपका एससी एसटी ओबीसी हो गए ये वाला चीज फिलअप करना है। मैं अपना हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपना हिसाब से कीजिए। और नेक्स्ट जो है आपका ब्लड ग्रुप आप चाहे तो दे सकते हो, नहीं चाहे तो मन नहीं है तो नहीं भी दे सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। और डिफरेंटली सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन ऑलरेडी नो किया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन नॉमिनी, आपका जो यहाँ पे पैसे का लेन देन है तो आपका कुछ पैसे का फैसिलिटी मिल सकता है यहाँ पे, इसलिए आपको बैंक जैसा ही नॉमिनी आपको यहाँ पे देना है। तो आप घर का कोई भी मेंबर हो, आप किसी को भी नॉमिनी रखना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। और उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद नॉमिनी का जेंडर, जेंडर यहाँ पे फिल करना है, और रिलेशनशिप मतलब आपके साथ क्या रिलेशन है उनका सारा चीज दे देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन फिर से आ जाएगा, एग्जिट और लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा सेव एंड कंटिन्यू। तो आपको जाना है सेव एंड कंटिन्यू। तो हो गया। अभी देखिए एक नया पेज खुल गया। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल डिटेल्स मतलब आप जहाँ पे रहते हो तो उस जगह का डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ यहाँ पे एक्चुअली, तो होम और नेटिव स्टेट। तो मैं तो घर पे रहता हूँ तो मेरा घर वेस्ट बंगाल में है तो यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए हाउस नंबर, तो आप गाँव में रहते हो तो यहाँ पे आप गाँव का नाम डाल सकते हो, या शहर में रहते हो तो हाउस नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको स्टेट यहाँ पे फिलअप करना है, स्टेट आपका हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, आपका हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद पिन कोड यहाँ पे आपका दे दीजिए। उसके बाद स्टेइंग एट करंट लोकेशन, अगर आप सही मतलब आपने थोड़ा देर पहले जो एड्रेस दिए हो यहाँ पे उस एड्रेस पे रहते हो तो यस, कि मतलब आप कितना दिन से रह रहे हो, स्टेइंग एट करंट लोकेशन वही आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप, मैं तो छोटा जब से छोटा था तब से रह रहा हूँ तो मोर देन 25 ईयर्स ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इज इट योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, तो अगर एक ही आपका एक ही एड्रेस है तो आप यहाँ पे इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे अनटिक करके आप दोबारा आपका दूसरा एड्रेस डालने का जगह आ जाएगा। तो बाहर रह रहे हो तो उस जगह को भी फिल कर सकते हो। तो मेरा तो भाई सेम एड्रेस है तो सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो उसके बाद देखिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालना है। तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या हो गया, तो मैं अपना हिसाब से डाल रहा हूँ, आप अपना जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से कीजिए। बिलो प्राइमरी है, प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट वगैरह। तो देखिए आप अपना हिसाब से सारा चीज़ कर लीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए नॉट लिटरेट मतलब आप
स्कूल नहीं गए हो तो इलिटरेट या नॉट लिटरेट, सेकंड ऑप्शन है लिटरेट विथ फॉर्मल स्कूलिंग बिलो प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सारा कुछ यहाँ पे है। आप आपका हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपना हिसाब से कर रहा हूँ, तो एडुकेशनल सर्टिफिकेट नेक्स्ट ऑप्शन पे है, तो आप चाहे तो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, तो मैं बोलूँगा कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपलसरी नहीं है। तो उसके बाद आपको डालना है मंथली इनकम स्लैब। तो आप आपका इनकम क्या, मंथली इनकम क्या है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देखिए 10,000 एंड बिलो, 10,000, 10,000 या 10,000 से कम, या 10,000 एक से 15,000, तो इस टाइप का बहुत सारा है। आपका जो स्लैब आएगा वो वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप चाहो तो इनकम सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए मैंने तो क्लिक कर दिया। उसके बाद प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब आप जॉब क्या करते हो, तो देखिए यहाँ पे इस पेज में ऑक्यूपेशन एंड स्किल डिटेल्स पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ खुल जाएगा, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे बहुत सारा जो जॉब है उसका विथ कोड एंड नेम जो आपको यहाँ पे नाम डालना है सारा, यहाँ पे 156 टाइप का टोटल टाइप ऑफ जॉब यहाँ पे दिया हुआ है। आप किस जॉब के साथ जुड़े हुए हो तो उसको आप सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर डाल देना। मैं अपना हिसाब से डाल रहा हूँ, आप अपना हिसाब से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पेज पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स वाला पेज पे ऑटोमेटिक लेके आ जाएगा, और यही आपका फाइनल स्टेज है। तो यहाँ पे आपको आपका जो बैंक डिटेल्स है सारा कुछ आप पास रखिए, सारा कुछ यहाँ पे इनपुट देना है। तो मैं अपना हिसाब से कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दो बार देना है, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम। तो मैं अपना हिसाब से कर रहा हूँ, आप लोग अपना हिसाब से यहाँ पे इनपुट दे दीजिएगा। तो यहाँ पे सारा बैंक डिटेल्स मैंने दे दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको दूसरा पेज पे लेके चला जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आपका सारा इंफॉर्मेशन जो इनपुट देना है सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर, एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे आ गया, मोबाइल नंबर, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, फादर्स नेम, सोशल कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, और सारा कुछ जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आई अंडरटेक दैट ये वाला ऑप्शन आपका जो क्लिक करना है, और अल्टीमेट जो फाइनल सबमिट सबमिशन है आपको सबमिट करना है, और चाहो तो आप प्रिंट करके भी रख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कुछ भी कर सकते हो, फिर उसको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिखेगा हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपका जो कार्ड है, कार्ड एक्चुअली बन गए हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे देखिए कार्ड ऐसा होता है, तो कार्ड पूरा आ गया। अभी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड यूएएन नंबर, और यहाँ पे कुछ चीज़ आधार कार्ड के साथ सिमिलर है। जैसे आपका हो गया यहाँ पे आधार कार्ड में 12 डिजिट का एक नंबर होता है, यहाँ पे देखिए 12 डिजिट का नंबर है 7862 ऐसा करके। तो पूरा आपका जो नाम है, नंबर है, पूरा आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ होता है उसी टाइप का यहाँ पे भी सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारा कुछ लिखने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो काम इतना ही का आपका काम हो गया है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपका काम, आपने जो फॉर्म फिलअप किया वो वाला सारा चीज़ कर दिया। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बाद में प्रिंट कर सकते हो, फिर लैमिनेशन करके आप आपका जो आईडी, पासपोर्ट या नॉर्मल टाइप का होता है ना कि आधार कार्ड या पैन कार्ड लैमिनेशन करते हो, तो उस टाइप का आप लैमिनेशन भी कर सकते हो। तो मेरा तो हो गया, तो यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया। तो दोस्तों ये था एक लंबा प्रोसेस, आपको लाइव आपको किस तरीके से बनाना है पूरा आपको दिखाया। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, और छोटा सा नहीं लंबा ही था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है, और साथ में वीडियो अगर अच्छा था तो अभी लाइक कर दीजिए, साथ में बेल ऑप्शन है प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जब भी कोई नया वीडियो डालो आप तक सीधा नोटिफिकेशन, अपडेटेड जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।